नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y33s वर्सेस Oppo A96 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y33s में 6.46 इंच जबकि Oppo A96 4G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Y33s में 2.99 इंच जबकि Oppo A96 4G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y33s में 0.31 इंच जबकि Oppo A96 4G में 0.33 इंच की थिनेस मिलती है, जो कि Y33s से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y33s में 182 ग्राम्स जबकि Oppo A96 4G में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y33s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y33s में 6.58 इंचेस जबकि Oppo A96 4G में 6.59 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y33s में 1080x2408 और Oppo A96 4G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y33s में 83.76% जबकि Oppo A96 4G में 84.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y33s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A96 4G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y33s में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A96 4G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y33s में माली G52 जबकि Oppo A96 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y33s में MediaTek Helio G80 और Oppo A96 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y33s 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Oppo A96 4G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y33s में 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A96 4G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y33s आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है,
परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A52 है, तीसरा शाओमी पोको M2 प्रो है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।